इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बास्केटबॉल को अपने फिंगर पे कैसे स्पिन कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बास्केटबॉल रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल्स बनाते रहता हूं। बास्केटबॉल को फिंगर पे स्पिन करना एक बहुत ही कूल ट्रिक है जो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करके सीख सकते हो और अपने दोस्तों को दिखा के उन्हें इंप्रेस कर सकते हो। शो ऑफ करने के अलावा ये ट्रिक आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल ग्रिप, रिस्ट और फिंगर स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करती है, जो कि आपके बास्केटबॉल स्किल्स को भी इंप्रूव करेगा। तो बास्केटबॉल को अपने फिंगर पे स्पिन करने के लिए आपको इन स्टेप्स को सीख के फॉलो करना होगा: हैंड प्लेसमेंट, बॉल स्पिन, फिंगर प्लेसमेंट और बॉल स्लैपिंग। सबसे पहले बात करते हैं आपके हैंड प्लेसमेंट की। आपको बॉल को स्पिन करने के लिए अपने हाथ को पूरा स्प्रेड करके बॉल के नीचे रखना है और बॉल को अपने फिंगर टिप से पकड़ना है। बॉल को पकड़ते टाइम आपका पाम बॉल में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पाम बॉल में टच होगा तो आप अच्छे से बॉल को स्पिन नहीं कर पाएंगे और बॉल आपके हाथ से स्लिप होती रहेगी। तो बॉल में बेस्ट ग्रिप और मैक्सिमम स्पिन जनरेट करने के लिए आपको अपने फिंगर टिप्स को बास्केटबॉल के ग्रूव्स में फंसाना है, ताकि बॉल स्पिन करते टाइम बॉल आपके कंट्रोल में रहे। अगर आपके हाथ छोटे हैं और आप एक हाथ से बॉल को ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें आप एक हाथ को बॉल के नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ को बॉल के साइड में सपोर्ट के लिए रखेंगे। हैंड प्लेसमेंट के बाद बात करते हैं बॉल स्पिन की। आपको बास्केटबॉल को स्पिन करने के लिए अपने रिस्ट को रोटेट करना है और एकदम हॉरिजॉन्टली बॉल को स्पिन करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बॉल को गलत एंगल पे स्पिन करोगे तो उसको फिंगर पे बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बॉल को एकदम ग्राउंड के पैरेलल स्पिन करना है, ताकि बॉल घुमाते टाइम उसका बेस ना हिले। अगर आपने बचपन में बेब्लेड से खेला होगा तो आपने ये देखा होगा कि वो जब तक तेज घूमता है तो वो बहुत अच्छे से बैलेंस में रहता है और एक पॉइंट पे घूमता रहता है, और जैसे ही उसकी स्पीड स्लो होने लगती है वो डिसबैलेंस हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो गिर जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट बास्केटबॉल में भी यूज होता है। अगर आप बॉल को स्लो स्पिन करेंगे तो वो ज्यादा देर तक आपके फिंगर पे स्पिन नहीं होगी और जल्दी डिसबैलेंस होकर गिर जाएगी। आप बॉल को जितना तेज स्पिन करेंगे बॉल उतने ही अच्छे से आपके फिंगर पे घूमेगी और आपके कंट्रोल में रहेगी। और आपको बॉल को ज्यादा हाई नहीं स्पिन करना है। आप स्पिन करते टाइम बॉल को जितनी हाइट दोगे उसको बैलेंस करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बॉल को बस इतना फ्लिक करना है ताकि वो स्पिन होने के बाद एकदम आपके फिंगर के ऊपर आए। तो बॉल के नीचे फिंगर लगाने से पहले कुछ टाइम तक आपको सिर्फ इसको स्पिन करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एक बार बॉल को सही से स्पिन करना आ गया तो उसके बाद उसको फिंगर पे कंट्रोल करना काफी ईजी हो जाता है। एक बार बॉल स्पिन सीखने के बाद आपको अपने फिंगर को बॉल के नीचे प्लेस करना है। बॉल स्पिन करने के लिए आपके फिंगर और रिस्ट एकदम स्ट्रांग और स्टेबल होनी चाहिए। अगर आप अपने फिंगर को ढीला रखोगे तो बॉल अच्छे से बैलेंस नहीं होगी। तो आपको अपने फिंगर को एकदम टाइट और स्टेबल रखना है। आप चाहो तो बॉल को स्पिन करते टाइम अपने थंब से अपने फिंगर को सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि बॉल को स्पिन करते टाइम वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। बॉल को अपने फिंगर पे स्पिन करने के लिए आपको बॉल को स्पिन करने के बाद अपने फिंगर को बॉल के एकदम बॉटम के सेंटर पे प्लेस करना है। स्टार्टिंग में अपने फिंगर को बॉल के नीचे स्टेबल रखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आपको बास्केटबॉल को फिंगर टिप पे नहीं स्पिन करना है, बल्कि फिंगर नेल पे स्पिन करना है, क्योंकि अगर आप बास्केटबॉल को फिंगर टिप पे स्पिन करोगे तो बॉल और फिंगर के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से बॉल बहुत जल्दी स्लो होकर गिर जाएगी। लेकिन अगर आप बास्केटबॉल को फिंगर नेल पे स्पिन करोगे तो आप फ्रिक्शन बहुत कम होगा और आपको ज़्यादा स्मूथ रोटेशन और स्पिन मिलेगा। इसी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आपके फिंगर पे बॉल स्पिन होने का टाइम बढ़ता जाएगा और कुछ टाइम बाद आप आराम से बॉल को अपने फिंगर पे स्पिन करने लगोगे। फाइनली बॉल को फिंगर पे स्पिन करना सीखने के बाद आपको ये सीखना है कि आप बॉल के स्पिन को कंटिन्यू कैसे कर सकते हो या फिर उसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। बास्केटबॉल को एक टाइम स्पिन करने के बाद थोड़ी देर में बास्केटबॉल स्लो होने लगती है और कुछ देर में गिर जाती है। तो इस स्पिन को कंटिन्यू करने के लिए आपको बॉल स्लैपिंग टेक्निक आनी चाहिए। जब आपको लगे कि बॉल स्लो हो रही है तो आपको अपने फ्री हैंड से बॉल के साइड में स्पिन की तरफ स्लैप करना है, ताकि बॉल की स्पीड बढ़े। आपको बहुत जोर से अपना पूरा हाथ यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे बॉल डिसबैलेंस होकर गिर जाएगी। आपको सिर्फ अपने फिंगर से बॉल को साइड में ग्रेस करना है, ताकि बॉल का मोमेंटम बना रहे और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती रहे। बट ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है, तो इससे पहले बस आप बॉल को फिंगर पे स्पिन करना सीख लीजिए। जब आप उस चीज़ को मास्टर कर लेंगे तो आप धीरे धीरे बॉल स्लैपिंग टेक्निक भी सीख सकते हैं। अगर हम इस ट्यूटोरियल का रिकैप करें तो बास्केटबॉल को फिंगर पे स्पिन करने के लिए आपको बॉल को फिंगर टिप से उसके ग्रूव्स पे पकड़ना है और अपने पाम और बॉल के बीच में स्पेस छोड़नी है। बॉल को हॉरिजॉन्टली और तेज स्पिन करना है और उसको ज़्यादा हाइट नहीं देनी। बॉल स्पिन होते टाइम आपको फिंगर को बॉल के सेंटर पे प्लेस करना है और स्टेबल रखना है। बॉल को फिंगर नेल पे स्पिन करना है, ताकि आपको मैक्सिमम मोमेंटम और स्पीड मिले। और फाइनली बॉल की स्पिन कंटिन्यू करने के लिए आपको बॉल स्लैपिंग टेक्निक यूज़ करनी है।
तो ये थी बास्केटबॉल को फिंगर पे स्पिन करने की सही टेक्निक। अगर आप इसको रेगुलरली रोज 15 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 हफ्ते में आप आराम से इसको सीख जाएंगे और उसके बाद आप इसके नए नए वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं जल्दी से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही बास्केटबॉल रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल्स बनाते रहता हूँ और लगातार पोस्ट करते रहता हूँ। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए की प्रैक्टिस कैन कीप हैविंग फन। पीस आउट।